सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को धचका लगा। फख्र है कोरोना पर हमारी पॉलिसी को आलमी सतह पर सराहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान निज़ार कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे, कीमतों में मसनू इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे के अवाम का मफाद बेहद अजीज है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं, अवाम के हुकूक का हर कीमत पर तहफ्फुज़ यकीनी बनाएंगे। मुल्क दाखिली और खारजी मसाइल में घिरा हुआ है, इमरान खान इस मौके पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं। दोस्त और हरासा करके इदारों को झुकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, शहबाज शरीफ का बयान। बिजली की कीमत 11 से 24 रुपए करने से रिलीफ नहीं दिया जाता, हदबियात 5% महंगी करने से आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। चीनी बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, मुल्क को मकरूज किया गया, महंगाई कर्ज और पेट्रोल की कीमतों का रिकॉर्ड टूट रहा है। खत्ते में सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान है, रुपए की कदर में कमी का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। इमरान खान अवाम की वाहिद उम्मीद हैं, नाहाल दहरबारी खातर जमा रखें, अगले 5 साल भी खान के हैं। कोरोना में दुनिया की मईशतें तबाह हुई मगर पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई। माजी में मईशत को IMF के कर्जों पर चलाया जाता रहा, मुआवने खसूसी शहबाज गिल का जवाब।